नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम ह्यूंडई की वेन्यू के साथ में होंडा WRV को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में लगभग 30,000 रुपये से लेकर 98,000 रुपीज़ का प्राइस गैप है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में अगर दोनों गाड़ियों को लेकर आपके जहन में कोई डाउट या सवाल हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आप सभी के साथ में दोनों गाड़ियों की प्राइस शेयर करूंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको वेन्यू लेनी चाहिए या फिर होंडा की WRV। क्या आपको लगता है WRV वेन्यू से ज़्यादा बेहतर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी आपको ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है, क्या वो आपको WRV लेने के लिए मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों कि होंडा अपनी गाड़ियों के साथ में क्या करने की कोशिश कर रही है। होंडा की सिटी एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो ठीक ठाक फिगर्स में बिक जाती है। उसके अलावा अगर हम गौर करें तो सिविक और CR-V हर महीने इसकी एक यूनिट भी नहीं बिकती है, और ये दोनों गाड़ियाँ जीरो यूनिट सोल्ड की लिस्ट में हर महीने शामिल होती हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो प्राइसिंग आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी गाड़ियों के बेस वेरिएंट के लिए, वो कॉम्पिटिशन से कहीं ज़्यादा है। नेक्सॉन की बेस वेरिएंट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है दोस्तों लगभग 6,95,000 रुपीज़ से, और वेन्यू की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 6,70,000 रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट मुंबई। वहीं होंडा की WRV की जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है 8,66,000 रुपीज़ से। तो आप प्राइस भी बहुत ज़्यादा मांग रहे हो और फीचर भी आप नहीं दे रहे हो, क्योंकि सेगमेंट जो चीज़ें ऑफर कर रहा है उसमें से कोई भी चीज़ आपके पास में आपकी गाड़ी में नहीं है। मात्र क्रूज़ कंट्रोल और जो सनरूफ है वो देने से गाड़ियाँ नहीं बिकती हैं। जहाँ पर सेगमेंट आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, वायरलेस चार्जर, कई सारे सेफ्टी फीचर्स, बेहतरीन 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 7-स्पीड DCT, 6 एयरबैग का ऑप्शन, 7 एयरबैग्स का ऑप्शन, और सेफ्टी फीचर्स जैसे कि आपको हिल होल्ड कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, चारों की चारों डिस्क ब्रेक, हीटेड ORVMs, ऐसे कई सारे फीचर्स सेगमेंट में आपको मिल जाते हैं। तो आपकी गाड़ी को कौन खरीदेगा उस प्रीमियम प्राइस में? होंडा अगर अपनी गाड़ियों के साथ में ऐसे ही करता रहेगा तो जल्द ही होंडा का दिवाला निकल जाएगा और उन्हें यहाँ से अपना तंबू उखाड़ के भागना पड़ेगा। अगर दोनों गाड़ियों को लेकर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सेगमेंट की प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में। दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इनके सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है दोस्तों 6,70,000 रुपीज़ से लेकर ये चली जाती है लगभग 13 लाख रुपए तक। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बराबर है, लेकिन ह्यूंडई की वेन्यू विड्थ के मामले में 36 mm और हाइट के मामले में मात्र 4 mm ज़्यादा बड़ी है। वहीं होंडा की WRV व्हील बेस के मामले में लगभग 55 mm ज़्यादा बड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो होंडा की WRV में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 90 PS की पावर देगा आपको 6,000 RPM पर और 110 Nm का टॉर्क देगा 4,800 RPM पर। वहीं ह्यूंडई की वेन्यू में आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 120 PS की पावर देता है 6,000 RPM पर और लगभग 171 Nm का टॉर्क देगा 1500 से लेकर 4,000 RPM पर।
अब बात कर लेते हैं डीजल के बारे में। तो WRV में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि 100 PS की पावर देगा 3600 RPM पर और लगभग 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देता है 1750 RPM पर। वहीं Hyundai की वेन्यू में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, ये भी 100 PS की पावर देगा 4000 RPM पर और लगभग 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है 1500 से लेके 2750 RPM पर। अब देखते हैं दोस्तों कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी हैं और एक नज़र डालेंगे दोनों गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो होंडा की WRV का वज़न है 1087 किलोग्राम से लेकर 1234 किलोग्राम तक। वहीं Hyundai की वेन्यू का वज़न है 1058 किलोग्राम से लेकर 1372 किलोग्राम तक। चलिए लगे हाँ तो दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जहाँ पर होंडा की WRV में आपको मात्र 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं Hyundai की वेन्यू में भी आपको मात्र 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टर्निंग रेडियस की जहाँ तक बात है दोस्तों, वेन्यू में आपको मिलेगा 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं पर आपको WRV ऑफर करती है 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो होंडा की WRV में आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं वेन्यू में आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। और लगे हाँ तो हमेशा की तरह दोनों गाड़ियों के माइलेज पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं। तो WRV में आपको 16.5 KMPL से लेकर 23.7 KMPL का कंबाइन माइलेज मिलेगा, वहीं वेन्यू में आपको 18 KMPL से लेकर 23.7 KMPL का कंबाइन माइलेज ऑफर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो Hyundai की वेन्यू में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, वहीं होंडा की WRV में सेगमेंट का सबसे ज़्यादा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 363 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स से और शुरुआत करेंगे पहले फीचर से। तो दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs देखने को मिल जाएंगी, LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। दोनों गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, शार्क फिन एंटीना दोनों गाड़ियां ऑफर करती है, डे नाइट IRVM मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ आपको मिलेगा, आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, रियर स्पॉयलर देखने को मिल जाएगा और दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटोफोल्ड ORVMs मिल जाते हैं अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर। नेक्स्ट दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, फ्रंट आर्म रेस्ट विद स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाएगा, टिल्ट पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगी, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब देखने को मिल जाएगा और दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 इंच या फिर 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विथ ऑल द नेसेसरी बेसिक फीचर्स जैसे कि AM, FM, USB, ऑक्सन, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, रियर वाइपर एंड वॉशर देखने को मिल जाएंगे, कनेक्टेड कार फीचर्स दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं, मिनिमम ड्यूअल एयरबैग्स देखने को मिल जाएगा, ABS प्लस EBD जैसे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉमनली ऑफर किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं होंडा की WRV में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो Hyundai की वेन्यू में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत छोटी लिस्ट है और मात्र 3 फीचर है दोस्तों। सबसे पहला फीचर है, इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग मिलता है, वहीं वेन्यू में आपको मात्र टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है। उसके साथ में यहाँ पर WRV में आपको AC को ऑपरेट करने के लिए एक टच बेस कंट्रोल पैनल आता है, किसी भी तरीके के कोई बटन्स नहीं मिलते, लेकिन इस टच पैनल को ऑपरेट करना गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी मुश्किल भरा होता है, जिसे हम ऑलरेडी 4th जनरेशन होंडा सिटी में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तीसरा फीचर इसमें मिलता है दोस्तों आपको मल्टीपल व्यू रिवर्स पार्किंग कैमरा, जिसमें आपको नॉर्मल व्यू मिलेगा, वाइड व्यू मिलेगा और एक टॉप डाउन का एंगल देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं Hyundai की वेन्यू में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको होंडा की WRV में देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे पहला फीचर इसमें आपको मिलता है ऑटो हेडलैम्प, उसके बाद में आपको मिलेगा रियर आर्म रेस्ट विद स्टोरेज स्पेस या फिर कप होल्डर्स के साथ में। तीसरा फीचर आपको मिलता है डे नाइट IRVM विद टेलीमेटिक स्विचेस जैसे कि SOS, रोड साइड असिस्टेंस और ब्लू लिंक के लिए। इसमें आपको लेदर प्लस फैब्रिक कॉम्बिनेशन सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी, रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, एयर प्यूरीफायर आपको देखने को मिल जाता है, वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको
ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर का फीचर भी ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेन्यू में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट का फीचर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो Hyundai की वेन्यू में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस दिया जाता है। वहीं Honda की WRV में आपको मात्र 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी ऑफर की जाती है। अब थोड़ी सी मेंटेनेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो WRV के मुकाबले में वेन्यू का मेंटेनेंस काफ़ी सस्ता आता है। आप सभी को मालूम होगा कि मारुति के बाद में Hyundai इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका मेंटेनेंस सबसे सस्ता माना जाता है। वेन्यू आपको बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आफ्टर सेल सर्विस के मामले में Honda की सर्विस Hyundai से कहीं ज़्यादा बेहतर है। चलिए दोस्तों आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है प्राइसिंग। प्राइसिंग बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। Honda WRV का जो पेट्रोल टॉप एंड वेरियंट है VX मैनुअल में आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मिलेगा 9,86,929 रुपीज़ का। वहीं Hyundai वेन्यू का जो टॉप एंड वेरियंट है पेट्रोल में SX ऑप्शनल, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 10,85,000 रुपीज़ का, जो कि WRV से 98,071 रुपीज़ महंगा आता है। डीजल में WRV का जो टॉप एंड वेरिएंट है VX मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये आपको मिलेगा 11,09,069 रुपीज़ का। वहीं Hyundai वेन्यू का जो डीजल टॉप एंड वेरिएंट है SX ऑप्शनल मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 11,39,800 रुपीज़ का, जो कि Honda की WRV से 30,731 रुपये ज़्यादा महंगा आता है। लेकिन यहाँ पर जो 30,731 रुपये या फिर 98,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वेन्यू के लिए, उसमें आपको वेन्यू 15 से 20 कई सारे बेहतर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स एज वेल एज टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स अलॉन्ग विद 6 एयरबैग्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से ये प्राइस यहाँ पर कम्प्लीटली जस्टिफाई हो जाती है। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कॉम्पिटिशन्स पर। तो इस सेगमेंट में इन दोनों गाड़ियों के अलावा आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, महिंद्रा की XUV300, टाटा की नेक्सॉन और मारुति की ब्रेजा जैसी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ में Hyundai की क्रेटा और किया की सेल्टॉस कुछ हद तक इस सेगमेंट को भी कंपटीशन ऑफर करती है। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर और शुरुआत करेंगे Honda की WRV से। तो फिलहाल WRV में आपको किसी भी तरीके से कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इसके जो भी बेस वेरिएंट्स और टॉप वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। मुझे लगता है कि इनकी प्राइसिंग 1 लाख रुपये से ज़्यादा कम होनी चाहिए थी। उसके अलावा Honda की WRV में आपको सेगमेंट के मुकाबले में कोई भी फीचर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। ये बहुत ही फीचर लेस कार है, लेकिन उसके लिए आप एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं Hyundai की वेन्यू के बारे में। तो इसमें आपको जो टॉप एंड वेरिएंट्स है वो मेरे हिसाब से ये भी ओवर प्राइस्ड हैं, उनकी भी प्राइस काफ़ी कम होनी चाहिए थी। Hyundai की वेन्यू में जो अंदर का केबिन स्पेस मैनेजमेंट है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता है, क्योंकि रियर सीट पर आपको डेफिनेटली स्पेस की कमी महसूस होगी। तीसरा ड्रॉबैक है दोस्तों कि Hyundai की वेन्यू में आपको किसी भी तरीके से डीजल में कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक इज वेन्यू की जो वेरिएंट लाइनअप है और जो फीचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वियर्ड है, उसे थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था। अब दोस्तों मुड़ते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव पर और बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो मेरी राय में यहाँ पर Hyundai की वेन्यू क्लियर विनर साबित हो जाती है, क्योंकि वेन्यू हमें काफ़ी सारे बेहतर फीचर्स के साथ में आती है, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है, बेहतरीन सेफ्टी ऑफर करती है, बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग ऑफर करती है, बेहतरीन कंफर्ट ऑफर करती है, इंजन का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स के साथ में आती है। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑफर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आते हैं और ये गाड़ी हमें WRV से बेहतरीन वारंटी ऑफर के साथ में आती है। इन सभी चीज़ों को अगर हम मिलाकर देखें तो ये अपनी एक्स्ट्रा प्राइस को जस्टिफाई भी करती है और यहाँ पर क्लियरली विनर साबित होती है। इसके अगेंस्ट में Honda की WRV में ना तो आपको बेहतर वारंटी मिलती है, ना ही फीचर्स मिलते हैं, उसके बावजूद आप इसके लिए एक प्रीमियम प्राइस पे कर सकते हो। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं हर हाल में अपने लिए दोनों गाड़ियों में से Hyundai की वेन्यू लेना चाहूँगा।
अब ये आपको तय करना है कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी चीज़ों के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से और प्रायोरिटी के हिसाब से आप तवज्जो देते हैं और कौन सी गाड़ी घर लाते हैं। अपने लिए आपने क्या चुना ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और आपकी राय में आज की इस वीडियो में दोनों में से कौन सी गाड़ी जीती है, इस राय का भी मुझे हमेशा कमेंट में इंतज़ार होता है, तो उसे भी नीचे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।